A very good morning to all of you, dear students. Students, yesterday we have learnt about face value. And now today turn is of place value. Students, remember one thing: place value is a very, very important topic for you all to understand. So, can we start the topic? Students, there are two types of number system. One is इंडियन नंबर सिस्टम एंड अदर इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू इज इज अ टर्म विद रिफ़रेंस टू इंडियन नंबर सिस्टम हमारा जो प्लेस वैल्यू का सिस्टम जिसको आप अब आप, आप पढ़ने जाएंगे वो इंडियन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है लेटर ऑन इन नेक्स्ट क्लासेस वे विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बट अभी प्लेस वैल्यू जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन नंबर सिस्टम पे आधारित है तो आप लोग अभी कुछ देख रहे होंगे मैंने आपके सामने ये प्लेस वैल्यू आपको समझाने के लिए कुछ हाउसेस आपके सामने बना रखे हैं ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी वट आर यू वॉचिंग इन दिस पिक्चर थ्री हाउसेस वंस हाउस टें हाउस एंड हंड्रेड्स हाउस स्टूडेंट क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या दिख रहा है इसमें आपको थ्री हाउसेस दिख रहे हैं एक है वंस का हाउस ये है टेंस का हाउस ये है हंड्रेड्स का हाउस जैसे आप होते हैं आप इस घर में आपके पड़ोस में कोई रहता है फिर आपके पड़ोस में कोई रहता है इसी तरह से तीन हाउसेस अभी आपको दिखाए हुए प्लेस वैल्यू समझ में आएगा ठीक है बट स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग आवर गेम इज दैट वी विल पुट वन डिजिट इन वन हाउस रिमेंबर दिस इज द रूल ऑफ द हाउस रूल क्या कहता है एक डिजिट ही एक हाउस में रह सकती है एक से ज्यादा डिजिट एक हाउस में नहीं रहेगी इज दट क्लियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड टेक एन एग्जाम्पल सपोज वी आर टेकिंग नंबर सेवन नाउ आई एम आस्किंग यू वेयर विल वी पुट द नंबर सेवन हम नंबर सेवन को इन तीनों में से कौन से हाउस में रखेंगे नाम ध्यान से पढ़ेंगे सबके वेड सो इट वुड बी बेटर टू पुट दिस नंबर सेवन इन वंस हाउस इज दट क्लियर नाउ वी वुड टेक अनदर एग्जाम्पल वेयर वी put number 3 can you guess yes again we would put the number 3 in again in ones place students what did you understand bachcho aapko kya samajh mein aaya पहले number सेवन था वो भी हमने यहाँ पे रखा one फिर number थ्री आया उसको भी हमने यहां पे रखा एक बात तो इससे हमें क्लियर हो गई कि जितने भी वन डिजिट नंबर होंगे वन डिजिट नंबर अपने फर्स्ट डे के वीडियो में आई वुड एक्सप्लेन यू दैट ऑल वन डिजिट नंबर वुड बी प्लेस्ड इन द वन्स प्लेस वंस डिजिट नंबर यानि कि जीरो से लेके नाइन तक जितने भी वन डिजिट के नंबर होते हैं उन सबको हम वंस वाली प्लेस में रख सकते हैं नाउ वी वुड टेक अनदर एग्जाम्पल तो बच्चों अब हम ले रहे हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल और हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा सपोज इट इज फिफ्टी थ्री तो बताइए फिफ्टी थ्री इसको हमने इन हाउसेस में रखना है तो कैसे रखेंगे क्या हम ऐसे रखेंगे नो दिस इज रोंग वाई दिस इज बिकॉज डू यू रिमेंबर द रूल ऑफ दिस हाउसेस द रूल वॉज दैट वी वुड पुट वन डिजिट इन वन हाउस तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि 53 को हम वंस प्लेस में एक साथ नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू रूल वंस प्लेस में तो एक ही डिजिट रह सकता है इन एक हाउस में तो एक ही नंबर रह सकता है तो इसका मतलब हम 53 को कैसे रखेंगे यहाँ पर ये देखिए 53 क्योंकि इसमें ये टेंथ हाउस है तो यहाँ पे आ जाएगा 53 इट वुड बी इट राइट इजेंटेड तो देखिए एक डिजिट नंबर आ गया और टेंस वाले हाउस में भी एक डिजिट नंबर आ गया दीन्स हम लोग इसे किस तरीके से रीड करेंगे फाइव टेंस एंड थ्री वंस थ्री वाला नंबर वंस वाले, वाले हाउस में और फाइव वाला नंबर टेंस वाले, वाले हाउस में एजेंटेड अब आप मेरे हिसाब से आपको काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स डेट मीन्स हम फिफ्टी थ्री को किस तरीके से हम लोगों ने हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूस किया फाइव वाले नंबर को लिखा हमने टेंस वाले हाउस में और थ्री वाले नंबर को रखा हमने वंस वाले हाउस में जैसे कि यहाँ पर थ्री वाले नंबर को किस में रखा था वंस वाले हाउस में तो इसे हम कहेंगे थ्री वंस फिफ्टी थ्री नॉट पॉसिबल था एक हाउस में तो फिफ्टी थ्री को हमने इस तरह से लिखा तो कैसे लिखा जाएगा फाइव टेंस एंड थ्री थ्री टेक अनदर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नंबर की सिक्स हंड्रेड थर्टी टू बट नाउ अवर गेम इज हाउ द प्लेस दीज डिजिट्स in this place value house first of all we can assume can we put 6 3 2 write this hmm it is wrong why it is wrong because one digit must be in one house एक घर में एक ही नंबर रह सकता है हमने तो एक house में तीन तीन नंबर डाल दिए तो गलत हो गया क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इस वा ये वाला तो ठीक है एक घर में एक नंबर ये तो ठीक है पर इस वाले में एक घर में दो नंबर ये बिल्कुल रॉन्ग है तो ये पूरी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग तो हम नेक्स्ट तरीके से इसको लेके चलते हैं क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट क्योंकि हर हाउस में एक एक नंबर प्रेजेंट है क्लियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरीके से हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नाउ इट इज क्लियर दैट सिक्स कौन से वाले हाउस में डाला है हंड्रेड थ्री कौन से हाउस में है टेंस एंड टू कौन से हाउस में है वस तो हम इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं सिक्स हंड्रेड थ्री टेन्स एंड टू दैट क्लियर क्लास बच्चों अब हम इसको अगर हमें एज अ प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आए तो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं सपोज हमारा एग्जाम्पल है सेवन थ्री नाइन अब हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है इसकी तो कैसे लिखेंगे नंबर क्या है हमारा सेवन हंड्रेड थर्टी नाइन आपने इसको वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस में रखा तो इजी करने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं ये नाइन हमने कौन सी जगह पे रखा है ये वंस वाले हाउस में रखा थ्री को हमने टेंथ वाले हाउस में रखा और सेवन को रखा हमने हंड्रेड वाले हाउस में जिस तरह से मैंने अभी आपको ऊपर गेम समझाया तो अगर हमसे इनकी प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन तो नाइन की प्लेस वैल्यू कहाँ पर है नाइन वंस हम इसे लिख सकते हैं नाइन इंटू वन वंस मीन्स वन नाइन वन जो नाइन तो इट वुड बी प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन नेक्स्ट वन इज प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री तो देखिए थ्री कौन से हाउस में है हमारे पास थ्री है हमारे पास टेंस वाले हाउस में तो थ्री टेंस यानी कि थ्री इंटू टेंस थ्री थर्टी तो इट वुड बी प्लेस वैल्यू ऑफ three एंड लास्ट वन इज seven seven कौन से हाउस में भेजा था हमने में 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 कौन से तो सेवन हंड्रेड इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं सेवन हंड्रेड सेवन इंटू हंड्रेड यानी कि सेवन हंड्रेड तो क्लास आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज सेवन Is that क्लियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ आप लोग ऐसे ही उसमें प्लेस वैल्यू मुझे सबकी निकाल के दिखाएंगे